तो हिमेश जी ने मुझे गाने का मौका दिया फिल्म में। वेरी गुड। आज हमने रिकॉर्डिंग की और इतनी सुंदर रिकॉर्डिंग हुई है कि लोग दंग रह जाएंगे। तेरी मेरी कहानी गाने के बाद सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक और नया गाना वायरल हो रहा है और बार बार सोशल मीडिया पर यह गाना शेयर किया जा रहा है। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हिमेश रेशमिया की अपकमिंग एल्बम हैप्पी होडी एंड हीर का गाना तेरी मेरी कहानी गाने के बाद रानू मंडल का एक दूसरा वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक फिर स्वर कोकिला लता मंगेशकर का फेमस गाना डपली वाले डपली बजा गाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि डपली वाले डपली बजा फिल्म सरगम का है, जो साल 1979 में रिलीज हुई थी। ये गाना ऋषि कपूर और जया प्रदा पर फिल्म माया गया था। इस सुपरहिट गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया था और अब रानू मंडल भी इस गाने को गाती हुई नजर आ रही है। अब रानू मंडल ने एक बार अपनी सुरीली आवाज से इस गाने में नई जान डाल दी है। रानू मंडल की जो वीडियो सामने आई है उसमें वह किसी स्टूडियो में बैठी हुई नजर आ रही है। रानू के इस वीडियो को बोडो लैंड कल्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पेज से शेयर किया गया है। रानू के इस वीडियो को फैन काफी पसंद कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों सुन लेते वो गाना। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में रानू मंडल सोनी टीवी के रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर में मेहमान बनी थी, जहां उन्होंने सबके सामने अपना दर्द बयां किया था। इस दौरान शो के होस्ट जय भानुशाली ने उनसे पूछा, आप रेलवे स्टेशन पर क्यों गाना गा रही थी? इसके जवाब में रानू कहती है, मैं रेलवे स्टेशन में इसलिए गाना गा रही थी कि मेरे पास रहने को घर नहीं है। मैं गाना गाकर पेट भरती थी। गाना गाने के बाद किसी ने बिस्किट दिया या किसी ने कुछ खाना दिया या किसी ने मुझे रुपया दिया। आपको बता दें कि फेम मिलने से पहले रानू की जिंदगी काफी परिश्रम भरी थी।